नशे से धागे टूटी सांस की तरह कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे ये कबीर कहाँ चला गया? जिस तरीके से इन लोगों ने काम किए हैं, कोई भी उठा के ले जा सकता है। अब तो सब लोगों के पैसे भी वापस देने पड़ेंगे। मैंने कभी भी आपको या आपके बेटे को कोई बद्दुआ नहीं दी। तुमने तो नहीं दी, मगर हो सकता है तुम्हारी नंद समिया या तुम्हारी सास ने कोई ऐसी आग निकाल दी हो दिल से जो हमें लग गई और हमारा बेड़ा गर्क हो गया। गुड़िया मेरी बात सुन। देखो जो भी मसला है हम लोग बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, उस मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। लेकिन तुम हमारी बात तो सुनो। भाभी मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं आज यहाँ सिर्फ आप सबको अपना फैसला सुनाने आई हूँ और वो सुनाकर वापस चली जाऊंगी। मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आप सबसे उस घर से अपने तमाम रिश्ते तमाम वास्ते खत्म करना चाहती हूँ। अरबाज की बीवी हूं, उनके साथ सारी जिंदगी गुजारने का वादा कर चुकी हूं मैं। और हाँ, ये वादा मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुझे आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना। मैं आप सबके लिए आज से और अभी से मर चुकी हूं। गुड़ी मैं गुड़िया को देख के आज अगर तुमने मोबाइल ही फेंकना था तो यहाँ समंदर में आकर फेंकने की क्या जरूरत थी? ये काम तो कहीं पर भी किया जा सकता। मुझे सिर्फ मोबाइल ही नहीं फेंकना था, कुछ और भी फेंकना था यहाँ पर। क्या? समिया का माजी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी माजी की कोई भी निशानी मेरी जिंदगी में रहे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और तुम भी जितनी जल्दी हो सके इन सारी यादों को भूल जाओ, क्योंकि ये यादें सिर्फ जख्म गहरा करती हैं और कुछ भी नहीं। डन, तुम ठीक कह रहे हो। तो फिर चलें, दो दो हाथ हो जाएं अरबाज से, उसको बता दें कि अब्बू से बदतमीजी करने का क्या अंजाम होता है। तुम ठीक कह रहे हो, अब वक्त आ गया कि उसे सबक सिखाया है। लेकिन ये काम मैं अकेले कर रहा हूं। यू जस्ट रिलैक्स। अरे यार, मुझे क्या पता था कि वो घर में घुस ही जाएंगे। अब आप जाएं उनको घर से बाहर निकालें, बोले मैं पुलिस को बुला रही हूँ, खुद ही भाग खड़े होंगे वो लोग। अरे यार अम्मी, आप इस मामले को आज किसी भी तरीके से खत्म करें। अरे हाँ भाई, मैं अभी यहीं हूँ, अंदर नहीं गया हूँ, मैं कार पोर्च में खड़ा हुआ वेट कर रहा हूँ। देखें, अगर गुड़िया इस सारी बातें खुद ही कर लेगी ना तो ज़्यादा बेहतर है। मैं अंदर जाऊंगा तो सबको लगेगा कि मैंने गुड़िया को सिखा के भेजा है। और वैसे भी शहीर की गाड़ी नहीं है यहाँ, लगता है अभी तक ऑफिस से आया नहीं है वो। मैं सोच रहा हूँ मैं गुड़िया को यहीं छोड़ के चला जाऊँ, क्योंकि आज सारी बात ही ख़त्म करवानी है। यहाँ की फिक्र छोड़ें, आप घर वाली फिक्र को निपटाएं, ठीक है ना? और हमने कोई उनका बेटा अगवा नहीं किया जिस तरीके से हम लोग डर रहे हैं।
जाएं आप, निकालें यार उसको बाहर। ठीक है। घड़िया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अंकल तुम्हारी भलाई, तुम्हारी खुशी नहीं चाहते? वो नहीं चाहते कि तुम जिंदगी सुकून से गुजारो? मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं शहीर भाई का इंतजार कर रही हूँ, मुझे उनसे जो भी बात करनी है वो कहकर चली जाऊंगी। अगर तुम शहीर से भी वो सब कुछ कहना चाहती जो तुमने अंकल से कहा है, तो तुम बेशक चली जाओ, क्योंकि अंकल ने तो तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, लेकिन शहीर नहीं सुनेंगे। मैं उनसे उनकी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से बात करने आई हूं। गुड़िया, गुड़िया तुम्हें क्या हो गया है? तुम हम सब लोगों को अपना दुश्मन क्यों समझ रही हो? ये बात आप खुद से क्यों नहीं पूछती और इस घर में रहने वाले बाकी लोगों से? क्योंकि इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास भी नहीं और ना ही उन लोगों के पास है जिन लोगों ने तुम्हारे दिल में ये नफरत डाली है। है भारत, अब जबकि तुमने इस घर से सारे ताल्लुक ख़त्म कर ही लिए, तो तुम्हें वो सारी बातें सुननी चाहिए जो हमने आज तक तुमसे नहीं की। भाभी, बातें तो मेरे पास भी बहुत हैं, लेकिन अब इन बातों को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने अंकल से ये नहीं पूछा ना कि उन्होंने अरबाज को तुम्हें यहाँ छोड़ने के लिए कहा क्यों? नहीं ना? तो सुनो गुड़िया, मैं जानती हूँ तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगी, लेकिन जब तुम्हारी आंखों पे बंधी पट्टी खुलेगी ना, तो तुम्हें इस बात का एहसास जरूर होगा कि कोई था तुम्हारा मुखलिस जिसे तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दिया था। आप शहीर भाई से कह दिएगा मैं उनके ऑफिस आ जाऊंगी, ठीक है? गुड़िया, हमने अरबाज को शराब के नशे की हालत पर सड़क पर पड़े देखा, क्या इस बात का भी यकीन नहीं करेगी? लेकिन इस बात की गवाह सिर्फ मैं नहीं, अंकल और शहीर भी, उन्हें भी छुटलाओगी तो? अरबाज ने आज तक अपने उन दोस्तों को नहीं छोड़ा जिन्होंने उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर रखी। गुड़िया, मेरी बात का यकीन करो, अगर अरबाज आज भी पुराना वाला अरबाज है तो वो तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है, उसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं है। और ये बात भी गलत नहीं हो सकती कि तुम जो शहीर से मिलना चाहती हो तो सिर्फ पैसों के लिए, जिन्हें लेने के लिए अरबाज से तुम्हें यहां भेजा। और अगर मैं कुछ गलत कह भी रही हूँ तो तुम्हें कोई लिहाज और मुरव्वत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तो हमारा वो रिश्ता ही नहीं है जिसमें लिहाज और मुरव्वत किया जाए। गुड़िया, इस घर ने, मैंने, शहीद ने तुम्हें हमेशा अपना समझा, तुम चाहे हमें दुश्मन समझो या ना समझो, लेकिन हम तुम्हें अपनी गुड़िया ही समझते। क्यों है ये रिश्ते कांच की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह? क्यों है ये रिश्ते धूप की तरह, लगते हंसी है पर है झूठ की। अरे, उसे पुलिस का डर था इसीलिए यहाँ से चली गई, वरना यहाँ उसका टिककर रहने का प्रोग्राम था पूरा। मैंने क्या बोला था आपसे? पुलिस से बोलेंगी तो भाग जाएंगी। भाग गई ना? आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना। अच्छा ये बताओ कि तुम इस जहन्नुम से मुझे कब लेकर जाओगे? अरे, यहाँ की गर्मी और वहशत से तो लगता है कि मेरा इंतकाल हो जाएगा। जन्नत का इंतजाम कर रहा हूँ, इसीलिए अपनी बीवी को वहां छोड़कर आया हूँ कि तफसील से वहां वो बात करे और पैसे लेकर आए। ओहो, बीवी! अरे, तुम्हारी बीवी ने आज तक कोई सीधा काम किया है जो अब करेगी? करेगी, अब बिल्कुल करेगी। अब उसको मैंने अपने अंदाज से समझाया,
और पिछली वाली नाराजगी वो अभी तक भूली नहीं है। बस किसी तरह मुझे इस घर से निकाल लो, इस अजाब से निकाल लो। अरे इस अजाब से अच्छा तो वो पिछला अजाब था, कम से कम वहां जनरेटर तो था, लोगों की बातें सुननी पड़ती थी, लेकिन ठंडी ठंडी हवा तो आती थी। यार क्या हो गया आपको, बोल तो रहा हूँ, कर रहा हूँ, आप क्या उस घर का रोना लेके बैठी हुई है? अरे तो तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है ना, पैसे आते तुम कहीं बदल ना जाओ कि मैं ये करूंगा। अरे यार इस बार पैसे आने दें, कसम से कुछ नहीं करूंगा, हम दोनों कहीं बाहर चलेंगे, चिल करेंगे, वापस आएंगे, बड़ा अच्छा सा घर ले लेंगे। और बोले हाँ, ये ख्वाब तो मुझे हकीकत बनते हुए नजर नहीं आ रहा, कब से देख रही हूँ ख्वाब में। आज वो वहां से अपने सारे ताल्लुक खत्म कर रही है ना, यहाँ पे आएगी, हम उससे अपने सारे ताल्लुक खत्म कर लेंगे, पैसे हमारे। पीछे कर। गुड़िया तुम यहां क्या कर रही हो? अब मुझे यहां खड़े होने के लिए भी आप दोनों में से किसी एक से इजाजत लेनी होगी। अच्छा गाड़ी में बैठो, तुमने जहां जाना है हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। मैं खुद चली जाऊंगी, आप परेशान ना हो। बेटा अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि मुझे इस तरह से ना करो, बैठो गाड़ी में। आप प्लीज मुझे इतना छोटा समझना छोड़ दें कि मैं आपको इनकार नहीं कर सकती। प्लीज जाइए यहाँ से। टैक्सी। चलें। देख लो कोई मसला ना हो, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार मेरे शेयर्स को तो कुछ दिनों के लिए भूल जाओ, समझ लो इन्वेस्टमेंट की हुई है। मेरा प्रॉफिट आने दो, तुम लोगों की इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दोनों एक साथ दे दो। अरे तो एक साल हो गया तो क्या हो गया, एक महीने में मौत आ रही है तुम लोगों को। और बात सुनो, इस बार गाड़ी मैं चलाऊंगा, पिछली बार तुम्हारी वजह से मरते मरते बच गए। अरे तुम खुद आ गई, मैंने तुम्हें कहा था मुझे फोन करना, मैं लेने आ जाऊंगा तुम्हें। अपना फोन देखें आप, कितनी देर से कॉल्स कर रही हूँ आपको। यार लाइट नहीं थी, पूरा दिन हो गया, फोन साइलेंट था, अभी तो उठा हूँ मैं, दोस्त की कॉल आ गई थी। कोई बात नहीं, तुम बताओ सारी बात हो गई था उसे? जी। अच्छा किया वैसे तुमने उनको बता दिया, तुम्हारी जिंदगी में उनकी कोई अहमियत नहीं है। जी। वो ले लिया शहीर से चेक? दे दूं, मैं जमा करा देता हूँ, वैसे भी अब तुम्हारी रुखसती हो गई है, एक दावत रख लेते हैं ताकि वलीमा हो जाए। नहीं वो शहीर भाई घर पर नहीं थे इसलिए चेक नहीं मिला। तो मैं तुम्हें इसलिए छोड़कर आया था कि वहां पे रुको, सारी बात खत्म करके आओ, तुम वैसे क्यों आ गई फिर? देर हो रही थी इसलिए वापस आ गई। अरे तो देर हो रही थी, कोई कयामत तो नहीं आ गई थी ना? मौत मारी थी तो मुझे उठ के आ गई हो, हद होती है। जब मेरी सड़क पर गुड़िया से मुलाकात हुई तो मैं बहुत हैरान था, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो घर में इतना सब कुछ करके गई होगी। वैसे मैंने भी ताया अबू को कभी ऐसे खामोश रह के किसी की बात सुनते नहीं देखा, बहुत दुख में थे वो वसी जब गुड़िया उनसे ऐसे बात कर रही थी। ये नो समिया, मैं घर इतना खुश खुश आ रहा था, सोचा था कि हमारी सारी मुश्किलात परेशानियां हल हो जाएंगी, हम नए से जिंदगी शुरू करने वाले हैं, लेकिन जब यहाँ आया तो सब कुछ डिफरेंट था। छोड़ो इन बातों को, मेरा ख्याल है वैसे कि अब हमें सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, तुम्हें वादा करना होगा कि हम सारी यादों को बातों को भुलाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
मैं पुरानी बातों और पुरानी यादों को भुलाने का वादा करती हूँ और ये भी वादा करती हूँ कि आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। काश तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई भी सुधर जाए तो फिर हमारी जिंदगी और भी अच्छी हो जाएगी। वो तो कभी नहीं सुधर सकते। हवस ने उनको इतना अंधा बना दिया कि दौलत के अलावा उनको कुछ और नजर ही नहीं आता। खैर उनके लिए शहीर ने कुछ सोच रखा है और ये जिम्मेदारी शहीर ने अपने हाथों में ली है। अब तुम देखना शहीर कैसे उन दोनों को सीधे रास्ते पे लेकर आता है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि वहां से सब कुछ खत्म करके आना, सारा हिसाब पूरा करके आना। तुम सब कुछ खत्म करके तो आई हो लेकिन हिसाब पूरा करके नहीं आई। मैं शहीर भाई के ऑफिस चली जाऊंगी। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी ये करने से वो तुम्हें कुछ दे देगा? तुम तो उसे और उल्टा बहाना देके आई हो तुम्हारे पैसे खाने का। अरबाज वो ऐसा नहीं करेंगे। ज्यादा बकवास नहीं करो मेरे साथ, मुझसे ज्यादा नहीं जानती हो तुम लोगों को। मैं वहां पर बैठी थी तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, इसलिए मैं वहां से वापस आ गई। अरे तो करने देती ना बातें, मेरे बारे में बात कर रहे थे, तुम्हें क्या तकलीफ है? आप मेरे शौहर हैं, मैं कैसे सुन सकती हूँ आपके बारे में कुछ भी? अरे भाड़ में गया सा शौहर, जब पैसे होते हैं ना तब ये सारे रिश्ते होते हैं। बढ़िया ही शौहर की वफादार। मैं ये दावत कैंसिल कर रहा हूं, जब तक तुम्हारे पैसे नहीं आ जाएंगे ना कोई दावत नहीं होगी। और एक बात, तुम मेरी जिंदगी में सिर्फ इस सूरत पे हो जब तुम्हारा उन लोगों से कोई वास्ता नहीं होगा और जब तक तुम्हारे सारे पैसे वापस नहीं आ जाते। समझ में आ गई तुम्हारी मेरी बात? बस रब को पता जो भी दर्द मिला अपनों ने ही दिया। देखो अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, जो मैं कहूंगी ना वही तुम करोगे। बस यार ये बोलने के लिए बुलाया मुझे यहाँ पे? सारा काम बर्बाद करके मुझे इस अजाब में छोड़ के तुम अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहे हो? हाँ मैंने किया सब कुछ बर्बाद, मेरी वजह से हुआ है। मैं भी तो यहाँ टेंशन में हूँ, मैं भी तो यहाँ परेशान घूम रहा हूँ। अपना मूड सही करने के लिए मैं कहीं नहीं जाऊँ, मुझ पर क्यों पाबंदियां लगा रही हैं आप? अपने दोस्तों में जाकर मूड ठीक नहीं करूँ? सारा काम तुम्हारी लाडली बीवी ने खराब किया है। यार अगर मैं यहाँ रहा ना तो कत्ल हो जाएगा मेरे हाथों। सुना है ना क्या करके आई है वो? अरे सब सुन लिया मैंने क्या कर कर आई है, अब तुम मेरी सुनो। कल उसके पुराने घर चलो, उसको बेचो, पैसे लो और बस यहाँ से निकलो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझे तुम? आपको क्या लग रहा है इतना आसान है? 4-5 करोड़ में गुजर जाएगी जिंदगी हमारी, इससे ज्यादा को तो वो घर होगा। हाँ हाँ वैसे तो तुम मुझे बड़ी सोने की कहानी ला कर दे रहे हो, है? अरसा हो गया तुम्हारी ये कहानियां सुनते सुनते। अरे इतने असाब में रह रहे हैं यहाँ पर उसके वालिद की वजह से, उसकी वसीयत की वजह से। कल जाएगी वो शहीर के ऑफिस। बस अब मैंने बता दिया है ना कि कोई प्लानिंग कोई कहानी मुझे नहीं चाहिए, बस जो मैं कह रही हूँ वो करो, जल्दी करो मामले को खत्म। ठीक है फिर बाद में मुझे मत कहिएगा कि पैसे कम मिले या कुछ भी। अरे कुछ नहीं बोलूंगी मैं, बस करो तुम, बहुत हो गया। फिर बोल रहा हूँ मैं, आप सोच लें अगर ये घर लिया तो हाथ से सब कुछ चला जाएगा। हाँ हाँ जाने दो, कोई परवाह नहीं है। अरे जिस तरह तुमने सारे काम उल्टे किए ना, ये काम भी कोई सीधा होने वाला नहीं है, जानती हूँ मैं तुम्हें। बस कर दो सब बात, मुझे मत दिखाओ, माफ कर दो मुझे तुम बस। हाँ बात सुनो, सामान कुछ ज्यादा खरीद लो आज, मेरा मूड ज्यादा ऑफ है यार। इसके अलावा और क्या चीज है जिससे मेरा मूड ठीक हो जाता है? हाँ वो हो जाए तो फिर अलग बात है। चलो मैं यहां से निकल रहा हूं, तुम लोग सामान खरीदो तो फिर रास्ते में मिलते हैं। अरे यार सारा प्लान चौपट हो गया, सब बर्बाद हो गया है। मिलता हूं ना फिर बताता हूं। बस भाई ये समझ ले आज होश में ना रहने की पूरी वजह है मेरे पास, समझ गए? तुम लोग सामान खरीदो मैं मिलता हूं। चलो हमने अरबाज को
शराब के नशे की हालत पर सड़क पर पड़े देखा है, क्या इस बात का भी यकीन नहीं करूंगी? अरबाज ने आज तक अपने उन दोस्तों को नहीं छोड़ा जिन्होंने उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर रखी। अगर अरबाज आज भी पुराना वाला अरबाज है तो वो तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है। देखो बेटा, अगर दुख होता ना तो इस दुख में बहुत आगे बढ़ जाता, लेकिन ये पछतावा है जो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। इस फाइल में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। वैसे तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी हमने आपको आपके पोस्टल एड्रेस में सेंड कर दी, आप अपने हस्बैंड के साथ आराम से बैठ कर पढ़ें। एंड अकॉर्डिंग टू देम आपके शौहर पे 2 करोड़ रुपए ड्यूज हैं। जी हाँ।